आज लिया था। मैं यहां तक सुना हूं कि ये जो इतनी गड़बड़ पूरे देश में चल रही है, हमारी अदलिया का कहना है, जरा मैं ये एकदम फैसले के साथ नहीं कह रहा हूं, हमारा अदलिया का ये कहना है कि जरा ये इसमें इत्मीनान हो जाए, सब लोग खामोश हो जाए, फिर हम अदल देंगे। है ये बात? बताइए साहब, ये हाल है अदलिया का? मेरे को डर इस बात का लग रहा है कि हक अधिकार दिए उसके तहत हमें यह आंदोलन लड़ना है। हमको एक साथ आके सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को एक साथ आके इत्तेहाद करना है। हमें उनको पीटना नहीं है, एक बात समझ लो, हमें उनको पीटना नहीं है, सिर्फ हमें एक साथ आना ही काफी है, हमें सिर्फ एक साथ आना ही काफी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज। हम हैं इस वक्त अमरावती जिले के तालुका अचलपुर शहर में। आज भव्य मोर्चा था यहाँ पे NRC और CAO को लेकर। हमारे साथ है एहतेशाम भाई। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, लेकिन इसके अंदर सभी लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। ये जन विरोधी कायदा है, इसके अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ साथ SC ST OBC ये तमाम समाज इसके अंदर प्रभावी होने वाले हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। की आराम की कुर्बानी लेकर जुड़े पहले आवाम आम लोग, और उसके बाद वो मखसूस कारिंदे जितने हमारे साथ बहुजन क्रांति तहरीक और दीगर तहरीकों के लोग जुड़े हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा के लिए उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब तक जुल्म चल रहा है, हम जुल्म का मुकाबला करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें। अल्लाह हमको अज़्म व हिम्मत अता करे, आमीन। उन्होंने सब धरना प्रदर्शन में अपना पूरा पूरा योगदान दिया, इसके लिए सैयद हुसैन के साथ, कैमरामैन तौफीक शाह के साथ, अचलपुर शहर।